हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं पैंट की कमर छोटी कर रही हूँ, तो मैं इसका मेजरमेंट लेना बता देती हूँ। तो ये कमर को मैं मेजर करके, मुझे 38 का साइज़ चाहिएगा। और ये जो पैंट है ना, थोड़ी बड़ी है, कम से कम 2 इंच इसमें बड़ा है। ये 40 इंच के करीब है, तो मुझे 2 इंच कपड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो कम से कम 1 इंच तो मुझे दबाना होगा, तब 2 इंच अपने आप छोटा हो जाएगा। पहले मैंने ज़िप लगा ली है और यहाँ पर मैंने ये हुक लगा लिया है, और यहाँ पे ये बटन भी मैं लॉक कर देती हूँ। जैसे अपन पहनते हैं वैसे ही लॉक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये हुक आपको गड़ रहा होगा, ये हार्ड सा दिख रहा है। यहाँ से ये इसको बंद करने पर, यहाँ पर इसका लॉक सिस्टम ऐसे बंद करके फिर यहाँ से चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। इधर पे मैं एक मार्किंग कर लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ से अपन को मेजर करना है। तो मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है हल्का सा। अब यहाँ से मैं टेप रख के मेजर कर लूँगी पीछे के क्रॉच एरिया की सेंटर लाइन तक। देखिए, मैं इधर से ऐसे ले जाती हूँ टेप, और यहाँ का जो पीछे की कमर वाला क्रॉच एरिया का है सेंटर, उधर तक के तो ये 20 आ रहा, यानी ये कुल 40 इंच की कमर है। लेकिन मुझे 38 लेना है, तो मुझे 38 का हाफ होता है 19, यानी 19 इंच। तो मुझे 19 इंच तक इसको इधर से सिलाई लगाना पड़ेगी। दोनों साइड एक एक इंच दबेगा तो वो 38 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 इंच के करीब मुझे दबाना है। मैं दूसरी साइड से भी ले कर दिखा देती हूँ। मैंने एक ही साइड से ली, इधर फिर से सेंटर से रख लीजिए, इसी लाइन क्रॉच एरिया से, बैक वाले पीछे वाले से क्रॉच एरिया की लाइन की सिलाई से रखते हुए यहाँ फ्रंट वाली जिप तक आई है। और जिप में जहाँ पे अपन ने लॉक किया था मेटल वाला, वहाँ तक देखिए, ये भी 20 से थोड़ा 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही है, लेकिन अपन को 1 इंच इसको दबाना है। तो देखिए ये एक्यूरेट आ रहा है, तो मैं 1 इंच दबा लूँगी तो मेरा 38 इंच की कमर बन जाएगी। सिलाई में दोनों साइड से 1-1 इंच अपने आप, 1 इंच दबाने से दोनों साइड से 2 इंच दब जाएगा। तो अब मैं इसको खोल लेती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ इस साइड, और पीछे साइड से भी करना पड़ेगी क्योंकि सिलाई पीछे साइड लगना है। तो मैं ये देखिए, ये पूरा एक्यूरेट 1 इंच है। तो 1 इंच नाप के देख लीजिए कि आपने कितना मार्क किया है, उतने ही हिसाब से आप पीछे की साइड भी मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस साइड भी एक मार्किंग कर लेती हूँ, और दोनों साइड पे, और इस साइड भी 1 इंच की मार्किंग कर लेती हूँ। ये सेंटर लाइन पर रख के टेप, और 1 इंच की मार्किंग इधर से कर लेती हूँ सेंटर लाइन पर रख के। तो 1-1 इंच की मार्किंग हो गई, और इसको मैं पहले रिमूव कर लेती हूँ सिलाई। यहाँ पे रिमूव कर ली इसकी, बेल्ट है ना ऊपर का, थोड़ा सा खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए ताकि सिलाई अपन एक सी लगा सकें खोलने के बाद। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, ये इस तरह से ओपन हो गया। अब मैं मेजर करके मार्किंग कर लेती हूँ। तो 1 इंच का अपन को दबाना, तो ये सेंटर लाइन क्रॉच एरिया की सिलाई के वहाँ से टेप रखेंगे और ये 1-1 इंच पे मार्किंग करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, कि जो मार्किंग कर रही हूँ वहाँ पे ऊपर से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ना सिलाई का, आपको बेल्ट की लाइन दिख रही होगी, वहाँ तक 1-1 इंच ला के करना है। देखिए, मैंने यहाँ तक लेके आई हूँ, कहाँ ये वाले हिस्से तक, ये वाली लाइन है ना, यहाँ तक 1-1 इंच तक तो दबना ही चाहिए। यहाँ से इधर तक आपको 1-1 इंच तक की मार्किंग करनी है। उसके बाद से अपन ये इधर तक ये दब जाएगा तो ये कमर का हिस्सा सही आ जाएगा फिटिंग में। और नीचे से अपन क्या करेंगे, ये जो क्रॉच एरिया की जो पहली वाली लाइन है उसी से तिरछा लेते हुए, इस तरह से तिरछा टेप रख के तिरछी लाइन नीचे तक ले जाएंगे और पहले वाले क्रॉच एरिया से इस लाइन को मर्ज कर देंगे, मतलब मिला देंगे इन दोनों लाइन को, ऐसे इधर से सिलाई ऐसे फेर देंगे। तो ये नीचे तक तिरछे में ले जाने इस तरीके से, और ये वाली लाइन से क्रॉच एरिया की पुरानी वाली लाइन से मर्ज कर देंगे और नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो ये तिरछे ही रखना है ताकि पहनने में फिटिंग सही आए, कमर से आपकी फ़िटिंग हो जाएगी और क्रॉच एरिया से थोड़ा थोड़ा
दबाते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ लाइन से आपको और पहले सिलाई को ना काटें, क्रोचरी वाली को पहले आप सिलाई लगा लें, सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको अपन बाद में काटेंगे, पहले नहीं काटना, नहीं तो वो कपड़ा अपनी जगह से हिल जाएगा और फिर वो आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो मैंने पहले नहीं काटा, पहले मैं ये जो मार्किंग की है ना यहाँ से सिलाई लगा लूँगी और नीचे तक ले जाइए सिलाई, बीच में मत छोड़िए, नहीं तो वो दिखेगा, मतलब क्रॉच एरिया जो होता है ना वो लास्ट तक का सेंटर पॉइंट तक, वहाँ तक धीरे धीरे इसको मर्ज करते हुए नीचे की तरफ ले जाइए लास्ट पॉइंट तक। तो देखिए मैंने यहाँ की सेंटर वाली सिलाई तक लाके इसको लॉक कर दिया है। तो ये मेरा क्रोशे फिटिंग तो हो गई है कि यहाँ से देखिए मैंने इतना ये इस तरह से मुड़ के ऐसा पीछे से देखिएगा सीधी साइड से, तो ये सीधी साइड से इस तरह से सिल गया। इसको आयरन करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मैं इसको काट लेती हूँ, काट के जो सिलाई वाला हिस्सा दिख रहा था ना ये पुराना, इसको अब निकाल दूँगी और निकालने के बाद फिर इसमें अपन पीछे की तरफ मोड़ के इसको तुरपाई। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है, अब यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है ना इसको ऐसे आयरन करके थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करने के बाद ये इस तरह की ऊपर की जो कोना दिख रहा है इसको ऐसे और इस तरह से फोल्ड करके आप या तो इस पर तुरपाई कर लीजिए या फिर सिलाई लगा दीजिए। तो मैं तो सिलाई लगा देती हूँ क्योंकि ये अंदर की साइड है और अंदर दब जाएगा ये जब अपन तुरपाई करेंगे इसकी। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सिलाई कर लिया है और ये बहुत इजी है काम, मुश्किल नहीं है वो तो। और यहाँ से इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए अब मोड़ के अपन आयरन करके पहले एक बार सेट कर लीजिए इसको। तो मैं थोड़ा सा आयरन फेर लेती हूँ इसके ऊपर, फिर उसके बाद में इसमें मैं तुरपाई करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको खोल के इसको फेर लिया है और यहाँ पे आयरन करके अब मैं इसमें ये पीछे साइड आगे साइड से भी मैंने आयरन कर दिया है और ये इस तरह से मेरा क्रॉच एरिया कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसमें तुरपाई करते टाइम भी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये जो वाइट पॉकेट दोनों साइड दिख रहा है ना उस पर आपका तुरपाई का टाँका है, क्योंकि ग्रे कपड़े पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो दिखेगा है ना। तो सिर्फ इसी पे जो आपके पॉकेट्स हैं ना इसी पे तुरपाई कर लीजिए और बीच के क्रॉच एरिया पे एक टांका लगा लीजिए, उसकी सिलाई वाला जो मार्जिन वाला कपड़ा होता है अंदर की तरफ इस पे बस इस तरह से लॉक कर लीजिए। तो ये आपकी कमर परफेक्ट छोटी हो जाएगी, जितनी भी छोटी है देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। पैंट तो सही आया है, पहनने पर भी सही आया था। चलिए तो फिर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।